वैसे तो मैं कोस्टल एरिया में पला बड़ा हूँ एंड द वर्ल्ड फेमस पुरी बीच इज जस्ट 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम माय नेटिव, पर न जाने क्यों बचपन से एक अजीब सा अट्रैक्शन है पहाड़ों के लिए। ये बड़े बड़े हिमालयन रेंजेस मैं पहली बार के लिए विजिट किया, बट हमेशा इनकी तस्वीरों को देखकर ये सोचता था कि इनकी चोटियों से व्यू कैसा दिखता होगा। अगर आप भी मेरे तरह कभी सोचे होंगे देन इन टुडेज ब्लॉग ज्वाइन मी वर्चुअली फॉर ए ड्राइव टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड व्हिच इज फेमसली कॉल्ड अस खारदुंगला पास। ये वही ताजे से हुए जो हम लोग आज गार्डन से प्लक करके लाए, हमारा होमस्टे वाला। जैसे बड़ा वाला तूफान आने से पहले माहौल शांत रहता है, वैसे ही खारदुंगला का चढ़ाई से पहले आपको कई किलोमीटर्स तक ये प्लेन रास्ते मिलेंगे वाइल्ड ड्राइविंग फ्रॉम नुब्रा साइड। कल रात को जब हम इन रोड्स में ड्राइव करते हुए नुब्रा जा रहे थे, उस टाइम द गैलेक्सी स्काई विथ फुल ऑफ स्टार्स वेर प्रिसाइजली विजिबल, मगर काफी देर हो गया था वरना वी वुड हैव स्टॉप्ड फॉर नाइट स्काई फोटोग्राफी। खारदुंगला की अभी चढ़ाई चालू हो चुका है फ्रॉम डिस्किट साइड, और मैं बोल दूं इट्स नॉट ए इजी जॉब, तो इसलिए बहुत ही ध्यान रख के चलाइए जब आप पास दे रहे हो ना कोई गाड़ी को, बेटर आप कॉम्प्रोमाइज कर लो अगर सामने वाला नहीं कर रहा है तो। कोई इश्यू नहीं है इस जगह पर अपना इको क्लास करके, लेकिन यार इट्स थ्रिलिंग। चलो लेट्स फोकस ऑन आवर ड्राइविंग एंड यू गाइस कीप ऑन एंजॉयिंग द लैंडस्केप एंड सीनरी। रात में ड्राइव करने के टाइम अगर सिटी में कोई सामने से हाई बीम लगाता है तो वी गोस ब्लैंक आउट, और पहाड़ों का सीन कुछ ऐसा है। तो अब तक हम जिन घाट रोड पे चला रहे थे वो सब पहाड़ थे, बट ये खारदुंगला वाला ये है पर्वत, और ये स्ट्रक्चर भी अजीब है इन पहाड़ों का। आइस मेल्ट हो के ना पूरा रास्ता बन गया है इन पहाड़ों पर, एंड दिस इज वर्ल्ड वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड। तो खारदुंगला की चढ़ाई करते वक्त ये गांव आएगा खारदुंग, जिसके नाम से ये टॉप का नाम रखा गया है खारदुंगला टॉप। यहाँ पे भी मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे रेस्टोरेंट्स, गेस्ट हाउस, होम स्टे वगैरह अवेलेबल है। अगर आप खारदुंगला की चढ़ाई अर्ली मॉर्निंग करना चाहते हो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, और यहाँ रुकना भी एक यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा। आप फ्यूचर में बोल सकते हो कि मैं खारदुंगला में रुका था, रात में नाइट स्टे किया था। और ये खारदुंग विलेज से खारदुंगला टॉप रहा और 32 किलोमीटर, और 1 आवर दिखा रहा है 32। खारदुंगला टॉप इज सिचुएटेड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 5,602 मीटर एंड दिस साइट इवन लुक्स कैरी ऑन ए पेपर। तो सोचिए यहाँ गाड़ी चलाने के टाइम किस लेवल का थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मिल रहा होगा। पहले खारदुंगला ऑनवर्ड्स विजिट करने के लिए इनर लाइन परमिट लगता था, बट अभी वो परमिट हट गया है, so you can visit Pangong, Nubra and Ketop for free of cost. But there is one more catch. अगर आप खुद से ड्राइव या राइड करके केटॉप जाना चाहते हो
by renting out a vehicle, then make sure to hire them from Leh only, as self-driven vehicles from Srinagar and Manali are not allowed beyond the first checkpost, which is at South Pullu. However, private vehicles ke liye koi issue nahi hai. Now the outside temperature in my car's instrument cluster is showing 7 degrees Celsius. You can imagine how cold it would be outside. Aur ye screen ke left side pe dekhiye. Yuck. It's not yuck, it's yuck. It seems as if the mighty Himalayan ranges are welcoming you. Welcome buddy to the world's highest motorable road. अब हम दोनों अपने सपने से बस 2.5 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे वार्निंग बोर्ड लिखा है कि अवलांच प्रोन एरिया, लेकिन अभी तो बर्फ नहीं है यार, अपने को कोई टेंशन नहीं। तो ज्यादा बर्फ यहाँ पे गिरती है ना तो गोला बन के नीचे चली जाती है, विच क्रिएट्स अवलांच। ये साइड में देखिए, बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट बर्फ के पास हम लोग गाड़ी चला रहे हैं। यहाँ से ना ऑफ रोड चालू हो गया है। ओ बाप रे, दिक्कत क्या होता है ना, इतने गड्ढे क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हेवी स्नोफॉल होता है यहाँ पर। जब बुलडोजर हटाता है ना ये बर्फ को, तो उसको पता नहीं चलता है, रोड्स भी हटा देता है। थैंकफुली रोड पर ब्लैक आइस नहीं है। खारदुंगला टॉप काफी दिनों तक हाईएस्ट मोटरेबल रोड ऑफ द वर्ल्ड का खिताब होल्ड किया था, बट नाउ दैट पोजीशन इज टेकन बाय उमलिंगला पास with a height of 5,799 meters, जो कि अब हमारा next सपना है। Due to time limitation, we drove non-stop from Nubra to Khardungla Pass, मगर इस journey का असली मजा रुक-रुक के जाने में है, by enjoying this खूबसूरत वादियाँ। टेम्परेचर दिखा रहा है 3 degrees Celsius एंड हियर वी, आवर ड्रीम ड्राइव इज अकम्प्लिश्ड। यो हो, सो फाइनली आवर ड्रीम ड्राइव फ्रॉम बैंगलोर टू गेटॉप इज अकम्प्लिश्ड। और हमें यहां तक पहुंचने के लिए वी टुक अराउंड 3 weeks, बिकॉज वी स्टार्टेड फ्रॉम बैंगलोर टू चंडीगढ़, देयर आफ्टर वी कंप्लीटेड दिस पीटी सर्किट, and now here we are completing our dream drive, both of us. Get up with my panda from Bangalore, yay! So all credit goes to these two guys, my wife Annie and our beloved panda. Here we at mighty Khardungla welcome you to the top of the world, mighty Khardungla, at an altitude of 17,982 feet, yay! विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। और यहाँ पे काफी ठंड है, तो यहाँ पे भी आपको कई सारे ऐसे बोर्ड्स मिल जाएंगे खारदुंगला टॉप का। अगर वो मेन बोर्ड के सामने भीड़ है ना, आप यहाँ पे फोटो खींचा सकते हो। इंडिया, आई चीयर्स फॉर इंडिया, टोक्यो ओलंपिक्स का ये वाला था। वाओ यार, मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने के लिए, लेकिन काफी ठंड है। और कुछ बाइकर भाई साहब यहाँ पे हमें मिल गए। वाह भाई, मज़ा आ गया, मज़ा, असली मज़ा इसको बोलते हैं केटॉप में पहुँचने के बाद। ये देखिए ले चल स्पीटी का स्टिकर, और अभी ले वाला ट्रिप अकम्प्लिश्ड। स्पीटी वाला एक हफ्ते पहले हो गया था यार, मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने के लिए, और मुझे थकावट तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन का कमी होता है, थक जाते हैं। मैं तो कब से बाहर घूम रहा हूँ, वहाँ बस हाथ सुन पड़ गए हैं, लेकिन यार थकावट बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और मेरा DSLR भी काम करना बंद कर दिया है, इसलिए अभी मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये ऊपर है सियाचिन वॉरियर्स के कैंप। वाओ, माइटी खारदुंगला, वाह यार, ये सही में यार ड्रीम कम ट्रू है, मजा आ गया यहाँ के। और अभी तक बुल्लू भाई लोग पहुंचे नहीं है। अभी देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे दिखा रहा है आउटसाइड टेम्परेचर इज 3 डिग्री सेंटीग्रेड, मुझे लग रहा है माइनस में होगा। और ये है सामने माइटी खारदुंगला, और नीचे ना काफी प्यारा सा मैसेज दिया गया है आर्मी के ओर से, योर एडवेंचर इज आवर डेली रूटीन, सो रेस्पेक्ट आवर आर्मी। हमारे लिए तो सही में एडवेंचर है,
काफी बड़ा एडवेंचर है और उनके लिए ये डेली रूटीन है। कैसा लगा? बहुत मस्त लगा, बहुत ठंडा है यहाँ पे। बहुत ठंडा है, बाहर निकलो ना बर्फ में खेलने के लिए। यहाँ खरदुंगला टॉप पे एक सोवेनियर शॉप है विच इज रन बाय इंडियन आर्मी, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स क्लोज नाउ, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ जरूर लेता। और एक चीज बहुत अच्छा देखा कि यहाँ पे SBI का ATM भी अवेलेबल है अलोंग विद खरदुंगला कैफे विच इज ऑल्सो रन बाय इंडियन नेशनल आर्मी। यार जाने के लिए तो मन नहीं कर रहा है लेकिन अभी जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, रिनोवेटेड बाय 57 रेजिमेंट 21 पंजाब। तो फाइनली आवर डाउनहिल ड्राइव फ्रॉम खरदुंगला टॉप हैज बिगन। और रोड्स में बता रहा हूँ यार, सही में बहुत सही बना है, काफी अच्छा बना चुके हैं और एडवेंचर एकदम खत्म। ड्यू टू एक्सपोनेंशियल हाइट के टॉप में आपको अल्टीट्यूड मोशन सिकनेस हो सकता है, सो वर्ड ऑफ प्रिकॉशन इज टू कंज्यूम डाइमोक्स टैबलेट्स with consultation and spend couple of days at Leh to get yourself acclimatized. ये सामने देखिए बर्फीली चोटियाँ, the mighty Himalayas, और हम लोग ना correct time में पहुँच गए थे खरदुंगला रात होने से पहले। हाँ नीचे उतरते उतरते अंधेरा हो जाएगा लेकिन वो चलता है यार। वाह, और थोड़ा उजाला रहता ना वो सामने वाला पहाड़ पूरा prominently दिखाई देता। ये ब्लॉग मुझे पता है काफी लंबा होने वाला है, होप आपको मेरे साथ ये ब्लॉग में ड्राइव करते हुए मजा भी आ रहा होगा, इसलिए तो मैं बोलता हूँ द बेस्ट व्यू कम्स फ्रॉम द GoPro डैशबोर्ड कैमरा। ये ब्लॉग देखने के टाइम में ना ऐसा लगता है कि आप भी मेरे साथ साथ ड्राइव कर रहे हो, है ना यार। DSLR तो ऊपर आके धोखा दे दी, मतलब एक ही शॉट में रिकॉर्ड किया था, फिर दो तीन फोटो खींचे और टेम्परेचर इतना कम था ना, फिर बाद में बंद पड़ गई। सही एग्जैक्टली हुआ था सारचू में जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चला गया था, मैं लैपटॉप ऑन कर रहा था तो हो नहीं रही थी। चलो अंत भला तो हो वाला, अच्छे अच्छे से हो गया हमारा खरदुंगला। अरे ये तो राइम बन गया। तो ये सियाचिन वॉरियर का हम लोग दूसरे पोस्ट पे पहुंच चुके हैं जिसका नाम है नॉर्थ पुल्लू। प्ले से जाओगे तो पहले आएगा नॉर्थ पुल्लू और नुब्रा से आओगे तो पहले आएगा साउथ पुल्लू, जहाँ पे की एंट्री वगैरह किया जाता है। पेड़ दिख रहा है यार, इसको छुपाना पड़ेगा, पहले छुपा लेते हैं पेड़ को। तो कल खरदुंगला से नीचे अपना होटल, ये जहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ गार्डन में माही रिट्रीट, पहुँचते पहुँचते ना रात हो गया था जिसकी वजह से मैं ब्लॉग को क्लोज नहीं कर पाया, और हड़बड़ी में ना मैं इंट्रो भी करना भूल गया था। आजकल सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। कल एक्चुअली क्या हुआ ना कि जब हम लोग डिस्किट से निकले इट वॉज ऑलरेडी 4, जिसकी वजह से मैं रस्ते में और कहीं नहीं रुका। हाँ मेरा मन में ये था कि चलो रुकते हैं, थोड़ा बहुत नज़ारे दिखाते हैं, बातें शाते करते हैं, उसके बाद खरदुंगला टॉप तक जाएंगे, लेकिन वो जो स्कैसिटी ऑफ टाइम और मैं ये वाला चांस नहीं चूकना चाहता था कि ड्यू टू लो लाइट फोटोग्राफी या फिर वो वीडियोग्राफी वगैरह खराब आए। वो जो एक्साइटमेंट लेवल था ना खरदुंगला टॉप पहुंचने के लिए वो मुझे रोड पे ना कहीं पे भी रुकने नहीं दिया। सही में इट वॉज लाइक ए ड्रीम कम ट्रू। मुझे तो और भी ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड करना था लेकिन 20 मिनट से ज़्यादा रुकना खुद के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि काफ़ी हाइट पे था और ऑक्सीजन लेवल भी कम था। So anyway guys, hope you like the video. If so, then please don't forget to keep India clean. And yes, bhai ne itna mehnat kiya hai. So kindly subscribe karke jaiyo. Theek hai, milte hain next vlog mein jaldi. Until then, stay fit. Sayonara. Bye bye.